Ready? Amit, I want to know, तुम 2012 में और अब में काफी बदल गए, ये परिवर्तन कैसे आया? किस प्रकार से तुमने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया? कैसे 2011 और 2017 के अमित पाठक में इतना ज्यादा चेंज आया? इतने कम टाइम में बहुत कम लोग इतना ज्यादा बदल पाते हैं, अपने आप को इतना ज्यादा अडॉप्ट कर पाते हैं, चेंज कर पाते हैं हर फील्ड में, चाहे कम्युनिकेशन हो, चाहे सेल्फ कॉन्सेप्ट हो, चाहे पर्सनैलिटी हो, चाहे लीडरशिप हो, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप हो। आज तुम एक वेल एस्टेब्लिश्ड एंटरप्रेन्योर हो। चाहे 2011 में तुम सोच भी नहीं पाते होंगे कि तुम एक एंटरप्रेन्योर बन जाओगे इतनी जल्दी। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन तुमने किया 2012 से लेकर के 2017 के बीच, ये 5 साल हमको 5 मिनट में बताओ। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं एक बड़ा खूबसूरत सा जगह जिसका नाम है गया, ठीक है, उस जगह से मैं बिलोंग करता हूँ। स्टेट हमारा बिहार हो, और वहाँ पर मैंने ये देखा कि लोगों की मेहनती है, दिमाग बहुत है, उनको बस रास्ता नहीं दिखता। रास्ता दिखता भी है तो वो आगे चल के डाइवर्ट हो जाते हैं, डाइवर्जेंस मिल जाता है, जिसमें वो अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। मैंने यही देखा सर, बट हमारे साथ क्या हुआ कि सर एक अंदर से जुनून भी था कुछ अलग करने की, क्योंकि मैं परिस्थिति बहुत देखा था अपने घर का, बहुत परिस्थिति, मतलब हर तरह की परिस्थिति जो हमने देखा अपने फैमिली में, हमने देखा कि मेरा फैमिली वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है, तो क्यों ना हम उस जगह तक पहुँचे। मेरी दादी अक्सर कहती थी कुछ भी करो बस पैसा कमाओ, कुछ भी करो बस पैसा कमाओ, बट मेरे पापा कहते थे क्या कि UPSC करो, ये करो, वो करो। मेरी मदर कहती थी जो तुम्हें करना है वही करो। फिर हमने सबकी सुनी और किया अपने मन की, जो मेरा मन किया और जो मेरी माँ का दिल किया, जो मेरा मन करता वही मेरी माँ का दिल करता था और मेरी दादी का। तो फिर मैंने सोचा कि मैं एक दिन बिजनेसमैन बनूंगा, और मैं बिजनेसमैन के लिए, मैं पढ़ाई भी बिजनेसमैन के लिए करूंगा। तो मैंने बिजनेस, पहले एंटरप्रेन्योरशिप मैं जानता ही नहीं था, मैं टिल 2012 तक एंटरप्रेन्योरशिप कभी बोला ही नहीं था कि एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है, बस बिजनेस बिजनेस बिजनेस। देन एक दिन हुआ कि प्लस टू करने के बाद वो मैं क्या करूँ क्या करूँ, बड़ा कन्फ्यूज सा रहा। बट सडनली मैं गुस्सा होकर मैं सोचा कि मैं बिहार ही छोड़ देता हूँ, क्योंकि ना मेरे को यहाँ पर रास्ता दिखाता है, ना मेरे को कोई बताता है कि एक्चुअल क्या करना चाहिए, बस मैं इंजीनियर, डॉक्टर और सरकारी नौकरी, यही मेरे से रिलेटेड, जो मेरे सोर्स से रिलेटेड कोई नहीं बता पाता था। फिर मैं वहाँ से सर जयपुर आया, जयपुर मेरा एक फ्रेंड था, वो था, उसके कारण मैं यहाँ पर आया। जब मैं यहाँ आया तो यहाँ पर कुछ समझ में नहीं है क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। मैंने एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए सीतापुर, मेरे वहाँ पर पैसे भी फंस गए, बट मैंने देखा कि कोई नहीं, पैसे हम बहुत कमा लेंगे, मेरे को लाइफ बना दी है। मैंने वहाँ पर देखा एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत बेकार था। फिर मैंने फिर तब तक मेरे को पता चला ज्ञान विहार, मैं फिर ज्ञान विहार के अंदर इंटर हुआ। मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर तो देखा, बट मैं यही सबसे पूछा कि यहाँ का एकेडमिक कैसा है, यहाँ का एकेडमिक कैसा है, यही पूछते पूछते मैं रिसेप्शन तक पहुँचा। वहाँ पर मेरे को मिला MBA का अभिषेक मिश्रा। अभिषेक मिश्रा सेड कि अमित तुम ये जो पूछ रहे हो एकेडमिक के लिए, एकेडमिक डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, तुम्हारे ऊपर एंड एबिलिटी के ऊपर। अगर तुम अगर एफर्ट अगर डाल रहे हो इट मीन्स तुम्हारा एकेडमिक अच्छा होगा, अगर फैकल्टी तुम्हें सपोर्ट कर रहा है तुम उनसे सपोर्ट ले लो तो अच्छा होगा। हमने कहा ठीक है, फिर हमें प्रॉब्लम ये डेफिनेटली फैकल्टी में भी नहीं। देन फिर मैं आपके साथ मिला, सेकेंड मीटिंग विथ यू, देन आपके साथ मैंने यही क्वेश्चन किया कि सर एकेडमिक कैसा है, एंड देन यू एक्सप्लेन मी, एंड आफ्टर मीटिंग विथ यू देन आई डिसाइडेड कि मेरे को ऐसा स्वर्ग मिल गया है जहाँ मैं जो चाहूँ वो शायद कर सकता हूँ, बस वही बिजनेसमैन वाले ख्याल थी सर। फिर आपके साथ जब मैं रहा, आपसे सीखा, जब आप एंटरप्रेन्योरशिप की जब आप क्लासेस लेते थे तो वो जो आप रिकॉर्डिंग करते थे अपने पैकेट के अंदर मोबाइल लेकर, वो फिर आप मेरे को देते थे, मैं उसको सुनता था घर के अंदर, ठीक है, मैं अकेले रहता था ताकि मेरे को डिस्टर्बेंस नहीं हो। तो मैंने एक मंथन किया, जैसे कहते हैं ना पहले के लोग तपस्या करते थे, तपस्या, तो मैंने इस एंटरप्रेन्योरशिप का तपस्या किया, यार ये होता कैसे, मतलब क्या सच्चाई, क्या एथिक्स होते हैं, क्या बिजनेस एथिक्स होते हैं। मैंने उसके ऊपर बहुत 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 मंथन किया सर, और फाइनली जब मेरी डिग्री कंप्लीट होने वाली थी
जब तक प्लेसमेंट भी हुआ जेटपैक्ट एंड एयरटेल दिल्ली, बट मेरे को यहाँ दिल नहीं आया क्योंकि जो मैं सोचता था वो नहीं था। असल में यू टोल्ड मी कि एक कंपनी है लिविंग टीम, तुम वहाँ काम करो, वहाँ तुम्हारी जर्नी स्टार्ट हो सकती है। देन फिर वहाँ भी मैंने एक एंटरप्रेन्योरशिप की तरह काम किया, एक एंटरप्रेन्योर की तरह काम किया, ना कि एक मतलब जॉब कर रहा हूँ कि चलो यार 9 से 6 की नौकरी होती है, सुबह 9 बजे जाओ 6 बजे आ जाओ। मतलब ऐसा होता ना कि यार सुबह कब हो कि मैं ऑफिस पहुँचूँ। जब ऑफिस में पहुँचा जब 4 बजे तो यार टाइम तो खत्म कैसे हो गया यार, समय दिन ऐसे में बहुत छोटा पड़ गया। मतलब रात की 11 बजे मैं घर आता, जब सब लोग थक जाते थे कि नहीं आप तो जाने ही है, 8 बजे मेरे शीजो चले जाते थे, मैं खुद अपने ऑफिस का ताला मैं खुद लगाता था, 11 बजे घर आता था, सबसे पहले ऑफिस पहुँचा कि काम करना है, सीखना है, भूख थी। ऐसे करके कि मैंने वहाँ पे लगभग 2 साल के अंदर 3 हमने प्रमोशन भी लिया, हमने उस कंपनी को जयपुर में स्टैब्लिश किया, जयपुर के बाहर टोटल 14 सिटीज़ में स्टैब्लिश किया, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, फैजाबाद, गाजियाबाद, जयपुर, उदयपुर, लखनऊ, कानपुर, आगरा, इन सब सिटीज़ में हमने उस कंपनी को स्टैब्लिश किया। आफ्टर स्टैब्लिश देन आई डिसाइडेड कि 2 ईयर्स का मेरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो रहा है, नाउ अब अपना मैं खुद का स्टार्ट करूँगा। देन फिर उसके बाद मैंने अपना खुद का चालू किया, जबकि मैं आपसे आकर, उससे पहले मैंने आपसे आकर मिला, रेगुलर मैंने आपकी गाइडेंस लिया, तो मैं अक्सर बस यही कहता था कि भगवान को भी एक साथी नहीं मिला था, एक गुरु नहीं मिला था, अगर उनको भी मिल जाता तो शायद वो भी अमर हो जाता। तो हमारे साथ बस इतना ही हुआ सर, मैंने कोई कहता ना कोई भगवान का कोई मैं दूत नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ, मुँह से खाता हूँ, हमें भी दर्द होती है, हमें भी पेन होती, सब कुछ होता है, और हम तो इतने मतलब डाउन पर उठे हुए मैं जानता हूँ, बस मेरे को एक गुरु मिले और उन्होंने मेरे को रेगुलर गाइड किया, रेगुलर जब नहीं उनसे बात हो पा रही थी तो मैं जब आँख बंद करके याद करता तो जैसे लगता था कि मेरा काम हो गया, चाहे मैं अपने पापा से ये कहता था पापा मेरे को ना सर से आज बात हुई या कल मिलने जाना है, तो उनको मुझसे ज़्यादा उनको खुशी होती थी कि तुम उनसे मिले, मतलब ऐसा था मेरे लिए एक साक्षात भगवान है, मतलब फिजिकल गॉड फॉर मी, कि मेरे को अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई चीज़ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, कुछ मैं सोच रहा हूँ, एक बार उनसे पूछ लूँ, अगर मैं पूछ लिया उन्होंने अगर मेरे को टिक कर दिया, मैं आँख पर पट्टी बंद गया ये सही चीज़ है, और मैंने बस वही किया सर। तो बस मेरे साथ मेरे ज़िंदगी में आज 24 साल मतलब 25 साल 28 जून को 2 दिन में हो जाएगा सर, तो 25 साल में बस मेरे साथ यही हुआ कि मेरे को एक भगवान मिला और वो भगवान सर आप हैं। और मेरे लिए सर देखिए यही मैं बार बार इसको क्यों पोस्ट कर रहा हूँ, मैंने बहुत अच्छे पात्र में डेढ़ साल मैंने क्लासेस ज्वाइन की सीक्रेट ऑफ सक्सेस, उसमें यही बताया कि एक इंसान को अगर एक सच्चा साथी मिल जाएगा तो उसकी जो जीवन होती है ना वो पार लग जाती है, और वो इतनी बड़ी पार लगती है जो सोच नहीं सकता है। ऐसे मुझे भी मिले, एक और हमारे कस्टमर हैं सुनील चौधरी, उनको भी कोई एक बिहार के ही थे वो मिले, जब उन्होंने कहा कि तुम बिहार से हो, मैंने कहा जी सर, यार मेरे को भी एक बिहार से मिले थे, उन्होंने आज जो भी मैं हूँ आज मैं उनकी बदौलत हूँ, एंड आज उनकी कंपनी कई अरब की है लीजिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कहने का मतलब देखिए इंसान को एक मिल जाएगा, उन्होंने हमें एक मिल गया, हमें भी सर एक मिल गया, वो आप आज मैं यहाँ बैठा हूँ, कितनी प्रस्तुति कितनी उसके बाद कितना मेरे को सुकून मिल रहा है यहाँ बैठे वो मैं जानता हूँ। मतलब जिस जगह पर आकर मैं बैठा था एक दिन इस बगल वाले कमरे में और वहाँ से मेरी जर्नी चालू हुई थी, आज मैं उसी जगह पर बैठकर अपनी 5 साल की जर्नी के बारे में आपको बता रहा हूँ सर, तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, इससे मेरे लिए गर्व की बात और कुछ हो ही नहीं सकती है। मैं मिडिल क्लास फैमिली, मेरे फादर अनएम्प्लॉयड नॉट फ्रॉम 2 ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम लास्ट 16 ईयर्स, और उसके बावजूद भी आज मैंने जॉब करके 2 साल के अंदर जॉब करके मैंने सिस्टर की शादी की, बहुत खूबसूरत शादी की, उसके बाद मैंने कंपनी खड़ी की, कंपनी खड़ी करने के बाद मैंने खूबसूरत सी कार भी ली, और आज चलो माँ मेरी नहीं है लेकिन आज माँ के नाम की मैं बहुत बड़ी कंपनी खड़ी करने जा रहा हूँ, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी होगी इस फील्ड के अंदर से, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी। और ये जो मेरा बिजनेस है दिस इज नॉट जस्ट बिजनेस, मतलब ये मेरे लिए एक माँ है, मैं इस माँ को जितना सच्चे मन तन मन धन से जितना ऊंचा ले जाऊंगा सर भगवान मेरे को उतना ही आशीर्वाद देंगे। अब ये मूवमेंट में मेरे साथ जितने लोग जुड़ना चाहते हैं जुड़ेंगे ही सर, क्योंकि मेरी माँ का तो सर कैंसर से डेथ हुआ, और मैं माँ के जाने से पहले मैं लोगों को कैंसर फ्री मतलब
पेस्टिसाइड फ्री वेजिटेबल्स खिलाता था, और अब तो मैं उनको खिलाऊंगा कि मैं तो जबरदस्ती खिलाऊंगा कि आपको तो खानी ही खानी, मैं तो अपनी माँ को नहीं बचा पाया, बट मैं कई भाई, कई बहन, कई माँ, कई दादा, कई दादी को मैं बचा तो सकता हूँ ना सर। चलो मैं 100% नहीं बचा सकता हूँ, कम से कम 20% तो मैं उनको कैंसर से बचा सकता हूँ सब्जी खिलाकर। हाँ, आने वाले टाइम में हम फ्रूट भी खिलाएंगे, फल भी खिलाएंगे, हम उनको चावल भी खिलाएंगे, गेहूँ भी खिलाएंगे, हम उनको जड़ी बूटी भी खिलाएंगे आने वाले टाइम में, लेकिन ये हमारे कोई बिजनेस नहीं है सर, कोई बिजनेस नहीं है। हमने सिस्टर की शादी की वो भी जॉब करके अर्न करके, हमने गाड़ी ली वो भी जॉब करके अर्न करके मेहनत किया सर। ये नहीं कि किसी को सताकर, किसी को दुर्द बनाकर, किसी को बेवकूफ बनाकर हमने कुछ किया, और बस आज मेरी यही टारगेट है सर, यही मेरा मिशन है कि मैं अब दुनिया में लोगों को कैंसर से बचाना चाहता हूँ, और कुछ नहीं है। मैं MBBS नहीं हूँ सर, आई एम जस्ट मतलब ग्रेजुएट गाय, आई हैव डन कॉर्पोरेट सेक्रेटरीशिप फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी। मेरे को बस इतना ही करना है सर कि इस कैंसर के फील्ड में आज मेरे को फील होता है कि मैं एक MBBS हो चुका हूँ, क्योंकि मैं 50 बड़े से बड़े डॉक्टर से मिला इंडिया के, बड़े से बड़े डॉक्टर, बड़े से बड़े डॉक्टर, बड़े से बड़े बैंक, बड़े से बड़े हॉस्पिटल्स। आज मेरे को फील हो गया कि कैंसर का क्या इलाज है, ठीक है, कैंसर को किस तरीके से ठीक किया जाता है। कैंसर को सर एलोपैथिक इलाज है ही नहीं, कैंसर का जस्ट इलाज है नेचुरोपैथी और कुछ नहीं है, बस ये है सर। तो आज मैं अपनी माँ को मतलब दुनिया की सबसे बड़ी और दुनिया के सभी लोग उसको जानेंगे, अंजू लाइफ गेंस प्राइवेट लिमिटेड, और हमारी ब्रांड होगी सर स्वास्तिक। स्वास्तिक कैसे ऐसा चीज़ है जो कि कोई भी शुभ चीज़ करते हैं तो स्वास्तिक से ही होता है सर। तो स्वास्तिक इज अ ब्रांड एंड अंजू लाइफ गेंस प्राइवेट लिमिटेड इज माई कंपनी, सो दिस इज माई जर्नी सर। तो मेरी जर्नी यहाँ से इस तरह 5 साल में सर आई, आई डोंट नो क्या होगा फ्यूचर में, बट बस मैं लास्ट लाइन में यही कहूँगा, हर इंसान को कोशिश यही करना चाहिए कि उनको एक इंसान मिल जाए जो कि साक्षात भगवान उनके लिए भगवान हो, जैसे मेरे लिए सर भगवान आप हो, पार्टी साहब के लिए भगवान आप नहीं हो, माधुर साहब के लिए भगवान आप नहीं हो, बट मेरे लिए भगवान आप हो, मेरे फैमिली मेरे परिवार के लिए भगवान आप हो, क्योंकि उनको भी आज विश्वास नहीं होता है कि मैं वो चिंटू हूँ जो 2 बार तो घर छोड़कर भागा था, जो 10th में फेल हो गया था, जो मेरे मोहल्ले के लड़के मेरे को देखकर हंसते थे। मेरे को कभी ईगो नहीं हुआ सर, कभी एटीट्यूड नहीं हुआ। मैं एक दिन ऐसा भी है कि भूख लगा था तो एक चॉकलेट खाकर सो गया, चाहता तो घर से पैसे मंगा लेता बट वो नहीं, एक मेंटोस चॉकलेट मिला मेरे बैग के अंदर, वही खाकर मैं सो गया पानी पीकर, चलो पेट भर जाएगा, कुछ तो गया, बड़ा सुकून मिला। ऐसे भी एक दिन था कि सर टोकरी के अंदर सब्जी भी बेचा हूँ, सर के ऊपर मोहाना मंडी से सब्जी लेकर आता था 3 बजे भोर में, सुबह 8 बजे जॉब नौकरी पे जाता था, शाम को 5 बजे आता था नौकरी से, और जो वो जो हाटों की जो बाजार लगती है जिसको हाट बोलते हैं, शनिवार सोमवार उसमें मैं रात की 11 बजे तक सब्जी बेचता था टोकरी में रख के, थोड़े से प्याज ले लिया, थोड़े से ये ले लिया, उसमें भी मेरे अच्छे क्वालिटी का रखता था, लोग मेरे से लेते ही नहीं थे, फिर भी मैं उसको कम रेट में बेचता था, चलो कोई नहीं, एक दिन सब्जी भी बेचा, सब कुछ किया सर। क्यों? मैं चाहता था कि मैं जितना पेन लूंगा ना, जितना पेन लूंगा ना, उतना ही मेरा जो फूल है ना वो खिलेगा। जब तक मैं दर्द फील नहीं करूंगा तो मेरे को क्या पता कि सामने वाले को दर्द कैसा होता है। तो मैंने हर चीज़ देखा सर, हर परिस्थिति, बट आज मेरे परिवार नहीं जानता कि मैं इतना, आज मैं गर्व से बताता हूँ कि एक दिन मैंने ये भी किया हो, लोग बिलीव नहीं करते बट मैं किया हो सर, कुछ लोग देखे हैं, कुछ लोग जानते हैं इसी जयपुर के अंदर, और जयपुर की ऐसी मिट्टी मेरे को भाई सर, मैं जयपुर में एक बैग के अंदर 2 कपड़े गुस्सा में पापा से लड़ाई करके 500 रुपये लेकर आया था, जो कि आज यहाँ पर मैंने स्टडी किया, स्टडी में भी मैंने भवानी पीपल से गोल्ड मेडल लिया, आफ्टर डेट फिर मैंने जॉब ली, जॉब में भी काम करने में मैंने सिस्टर की शादी की, फिर मैंने उसके बाद कंपनी स्टार्ट की रिजाइन करने में, कंपनी स्टार्ट करने के बाद मैंने गाड़ी ली, गाड़ी लेने के बाद मम्मा का मैंने इलाज कराया बहुत, बट मैं कोई नहीं, मैं सिर्फ कर गया था, मैं आज हूँ चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ नॉट लकी फॉर मी बट जयपुर इज लकी फॉर मी कि मैंने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ सीखा। आज ऐसा लगता है, मैं 2 दिन में मेरे को जयपुर आया, ऐसा लगता है कि जैसे मेरे को नींद बहुत अच्छी आ रही है,
मेरे को यहाँ पे सुपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है। जब हम लोगों से मिलने लग रहा है कि मेरे सभी माँ और बाप है, एक मेरे फ्रेंड की माँ बोलती है बेटा तू मेरा तीसरा बेटा है, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें यही रहना है, तुम्हें घर कहीं नहीं घर लेने की जरूरत है। तो इतना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है सर कि लोग मेरे को एक्सेप्ट किस तरीके से कर रहे हैं। तो जयपुर मेरे लिए सर बड़ा लकी रहा, और जयपुर के अंदर सबसे बड़ी बात जो सबसे पहले जो मेरे लिए फर्स्ट स्टेप था वो आप हो सर। मतलब मैं हर वो दिन ऐसा नहीं होता कि मैं जैन साहब को भले मैं बात ना करूँ मिल ना पाऊँ, बट मैं जैन साहब ही को हमेशा याद करता हूँ। कहता हूँ मेरे गुरु है, एवरीवन से बीकानेर के हमारे गुरु है, वही हमारे गुरु है। उन्होंने मेरे को सब कुछ सिखाया, उन्होंने मेरे को मार्गदर्शन दिया, उन्होंने मेरे को चलना सिखाया हाथ पकड़ के। यहाँ तक कि मेरी एडमिशन इज बिकॉज ऑफ माई परसेंटेज इन यूनिवर्सिटी एंड यू सेड मी कि तुम्हारा एडमिशन होगा। तो सर मेरे लिए सब कुछ आफ्टर 2012 27 अगस्त 7 अगस्त को मैं जयपुर आया था सर, अजमेर से अलवर से रात को 11:50 में यहाँ पर उतरा था। और आज देखिए सर, मतलब सब कुछ यहाँ पर एक पर एक एक पर एक सेट होता चला गया। दिस इज रियली लकी फॉर मी। तो मैं वापस से उस बात को रिपीट करता हूँ, बस इंसान को तीन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। एक तो अपने मन को सच्चा रखो, बिल्कुल दूध की तरह सच्चा रखो। लोग अगर गलत लांछन भी लगाए तो अपने आप को बस सच्चा रखो, यार मैं सच्चा होता हूँ। कोई नहीं, हाथी चलता है बाजार तो लोग भोगते भी हैं, ईंट भी मारते पत्थर भी मारते हैं, हाथी तो हाथी ही होता है। उसी तरह इंसान के अपने मन को कंट्रोल करके रखना चाहिए कि बिना उनके उनके सर के बाल भी नहीं हिल सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, कभी किसी को, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, उसको बस एक इंसान के रूप में देखो। सबको एक रिस्पेक्ट दो क्योंकि वो भी इंसान है, आप भी धरती पे इंसान ही हो। तो कभी किसी के साथ ना गलत करो, ना गलत देखो, ना गलत होने दो। ये नहीं कि गलत हो रहा है तो आग बंद कर मुंह घुमा दो, आगे बढ़ो, हो सकता है कि आपकी बात से वो चीज़ें ठीक हो जाए। और तीसरा, बस कोशिश करो एक साथी ढूंढने का। अगर वो साथी आपको सच्चा साथी अगर मिल जाता है लाइफ में, जिसके अंदर ना कोई स्वार्थ ना कोई लालच, और जस्ट एक साथी हो, तो शायद आपकी जिंदगी की 90 साल या 100 साल भी कम पड़ जाएगी वो निभाने की। तो लाइफ में बस यही तीन चीज जो है ना सर, जो कि होनी चाहिए। इससे ज्यादा और आप कुछ नहीं जानते, ना पैसा इंसान लेकर जाएगा ऊपर, ना पैसा लेकर आया है, सब कुछ यही छोड़कर चला जाएगा। बस उसको एक सच्चा तन मन और धन लगाकर कुछ भी करे, उसमें सक्सेस जरूर मिलेगी। और भगवान को साक्षी मानकर कोई भी काम करे, वो ये सोचे कि अरे यार भगवान तो ऊपर है, ऊपर जाके करेंगे, यहाँ भगवान थोड़ी देख रहे हैं। बस गलत मत करो, भगवान यही है, भगवान देख रहे हैं। कोई भी काम गलत मत करो, यही चीज है। किसी को धोखा मत दो, किसी को धोखा मत दो, बस वो चीज है। तो यही मैं कहूँगा सर। तो मेरा जर्नी ये हुआ, मेरे साथ ये सब हुआ, और आज मैं बहुत खुश हूँ कि वापस मैं जयपुर में आकर अपनी जर्नी वापस से चालू कर रहा हूँ, जहाँ सब कुछ ये 5 साल में होकर खत्म हो गया। अब वापस मैं समेट रहा हूँ उन पौधों के ऊपर, मैं पानी डाल रहा हूँ जिन पौधों को मैं आज से 6 महीना पहले 5 साल में लगा कर गया था। अब इन 2-3 दिनों से मैं बस उन पौधों में से पानी डाल रहा हूँ और देख रहा हूँ कि जब से मैं पानी डाल रहा हूँ वो पौधा अपने आप हरा भरा हो रहा है, हरा भरा फील हो रहा है मेरे को। तो ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए सच में ये जयपुर है। फिर मैंने अपने गुरु अपने पंडित जी से भी बात की, ब्राह्मण से, उन्होंने भी मेरे को कहा मैंने आपकी देखी, आपके लिए जयपुर बहुत शुभ है, आपके लिए राजस्थान बहुत शुभ है। तब तक आज मैं सपने में भी देख लिया दिन में कि आप जयपुर को मत छोड़ना, आपके लिए जयपुर बहुत शुभ है। तो अब तो मैं सर कभी जिंदगी में कहीं छोड़कर जाने वाला नहीं हूँ, शायद मेरी जयपुर में अर्थी भी उठेगी कुछ, मतलब कई 100 सालों बाद मैं तो यहाँ की हवाओं में रहूँगा सर। तो अब मेरे लिए सर जयपुर ही सब कुछ है, और मेरे लिए साक्षात भगवान वो आप हैं सर। मैं एक दिन अपने क्लास ISBM के क्लास में भी बोला था फर्स्ट फ्लोर पे कि मेरे लिए साक्षात भगवान तो यही है। जिस दिन एक विलेजर एंटरप्रेन्योर आए हुए थे, जब मैं एक उनके साथ ट्रिप पे भी गया था तिलोनिया, तो उनके सामने भी मैं ये कहा था कि ना कोई बड़ा ना कोई छोटा होता है, हर इंसान के पास दिमाग होता है, बस ये होता है उसको मार्गदर्शन देने वाला कौन है, और उस मार्गदर्शन को फॉलो करने वाला वो कौन
फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, बस इतना ही है सर। तो मैंने यही लाइफ से सीखा और रियली मतलब मेरे लिए ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी एक स्वर्ग का प्लेटफॉर्म था, और जो उस स्वर्ग के जो दाता थे वो सर आप थे। मैं कोई वो नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस अपनी आत्मा की, अपनी सोल की, अपने अंतर आत्मा की बात कह रहा हूँ कि उसकी जो कह सकते हैं कि हेड कह सकते हैं, उसको लीड करने वाला कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं उसको, वो सर आप थे जो कि मैंने आपको पकड़ कर सीखा। कभी कुछ गलत करना भी चाहा, शर्म ये आया कि ना मेरा माँ है यहाँ पे ना मेरा बाप है यहाँ पे, लेकिन जिनको मैं साक्षात भगवान कहता हूँ अगर उन तक बात पहुँचेगी उनको कितना आत्मा को दुख पहुँचेगा। तो ये सोचकर मैंने अपने काम को पीछे खींच लिया, नहीं ये काम गलत है मैं ये करूँगा ही नहीं, बस मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मेरे पीछे एक मंजिल है, मेरी मकसद है, बस उस मकसद को उस मंजिल को मेरे को पाना है और मैंने उसे पीछे पाना, बस यही है सर। तो इंसान को जो मैं तीन चीज़ बताया सर वही तीन चीज़ माइंड में रखना चाहिए जिससे वो जो चाहेगा वो उसको मिल जाएगा, अगर उसके किस्मत में वो चीज़ हुआ तो। शायद अगर किस्मत में नहीं भी हुए तो भगवान को मजबूरन मजबूरन वो लकीर मिटाकर एक नई लकीर खींचनी पड़ती है, क्योंकि मैं ये चीज़ फील किया हूँ सर। अक्सर मैं यही सुना हूँ आज तक, आप जो सोचोगे वो कभी नहीं बनोगे। मेरे को आज याद है मैं 8वीं क्लास में कहता था कि मैं बिजनेसमैन बनूंगा, जब हमारे दरवाजे पे एक आता था सब्जी बेचने वाला टोकरी में, तो मेरी दादी से पूछता था ये क्या करते हैं, तो पढ़ाई करते हैं, ये क्या करेंगे, तो ये बिजनेसमैन बनेगा बोलता है ये बिजनेसमैन। आज मेरे को बहुत सुकून मिलता है सर कि वो दादी उस सब्जी वाले से कहती थी, वो सब्जी वाला आज भी मेरे घर आता है, अब दाल लेकर आता है, सब्जी नहीं लेकर आता है, चावल लेकर आता है मेरे घर, तो उसको बोलती है कि वो बिजनेसमैन बन गया है। तो मैंने अपने दादा दादी को बहुत सुकून पहुँचाया सर, अपने माँ बाप को बहुत सुकून पहुँचा, अपने परिवार को बहुत सुकून पहुँचाया, आपने मेरे को शुरू से गाइड किया, आपको सुकून पहुँचाया, आपने आपको सुकून पहुँचाया। आज मेरी माँ नहीं है सर, बट मेरी माँ मेरे साथ है, मेरी गाड़ी में है, मतलब मेरे पास है, अब मेरे अंदर है सर, वही सब कुछ आज मेरे लिए देख रही है और वही मेरे को कर रही है सर। तो ये है सर, मेरे लिए भगवान ही आज वही है और साक्षात भगवान आप हो। मेरी माँ मेरे भगवान थी, आज भी वही है सर, वो सबसे भगवान बन गई, भाग्यशाली थी सर तभी इस उम्र में छोड़कर चली गई, शुरू से तो उन्होंने दुख देखा, जब सुख करने का नौबत आया तो कुछ महीनों की सुख लेकर और वो चली गई, और वो बस आसमान से देख रही थी बेटा मैं इतनी दिनों के लिए आई थी, तुम हमारे ऊपर सब कुछ स्टैंड हो गया था, मेरे को इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं चाहिए। तो आज पापा भाई बहन मैं सबको ऐसे लेकर चल रहा हूँ सर, एक सर्वन की तरह, बस मेरे लिए ये सर और साक्षात गुरु, तो इसके लिए बस थैंक यू।